जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इसके पहले हमने बताया था यम आदि का पालन करने का वर्ण, और अब आगे नियम, यम के बाद नियम। नियम क्या है? नियम में नियम के भी पांच अंग हैं। पांच नियम के पालन करने से मनुष्य को ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। तो पांच नियम कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रार्थना, ये पांच नियम। पांच नियमों में सबसे पहला है पवित्रता। पवित्रता दो प्रकार की होती है, बाह्य पवित्रता और अभ्यंतर पवित्र अर्थात अंदर पवित्रता। बाहर की पवित्रता मिट्टी आदि से करना चाहिए, हाथ पैर को पैरों का प्रक्षालन, स्नान इत्यादि, यह जो है बाहर की पवित्रता है। और अंदर की पवित्रता के लिए पंचगव्य का प्राशन अत्यंत उपयोगी होता है, जो कि पंचगव्य गाय के पांच वस्तुओं से बनता है, दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर। ये पांच वस्तुओं से यथा नियम यदि पंचगव्य बनाया जाए, मंत्रोच्चारण द्वारा इसका प्राशन किया जाए, तो अंदर हमारे जो छिपे हुए पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। संध्या वंदन करने वाले व्यक्ति के अघमर्षण क्रिया के द्वारा पापों का क्षय हो जाता है, उसे पंचगव्य प्राशन की आवश्यकता विशेष नहीं होती। मगर साधारण लोग जो संध्या वंदन आदि क्रिया नहीं जानते, नहीं करते, उन्हें पंचगव्य प्राशन करना चाहिए, अत्यंत उपयोगी होता है। उससे अंदर के हमारे मल रूपी पाप रूपी जो राक्षस हैं तो बाहर और भीतर की पवित्रता रखना चाहिए। पवित्रता के बाद दूसरा होता है संतोष। अनुकूलता, प्रतिकूलता, लाभ हानि, मान सम्मान, अपमान, किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी, किसी देश में शीत, गर्मी, कैसी भी परिस्थिति में चित्त की प्रसन्नता का खंडन न होना संतोष। अर्थात हमारे अंदर संतोष है तो किसी भी परिस्थिति में कहीं भी हम विचरण कर सकते हैं, और हमारे मन में, हमारे शरीर में किसी प्रकार का द्वेष भाव या क्रोध भाव उत्पन्न नहीं, यह संतोष का फल होता है। संतोष के बाद नियम का तीसरा अंग है तप। भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, जप, जाप करना और पूजन करना, स्तोत्रों का पाठ करना, स्तुति करना, ये सब तप के अंतर्गत। चौथा अंग है ईश्वर। तब स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद ईश्वर प्राणिधान, भगवान का ध्यान करना, भगवान के ध्यान में मन को लगाना, एकाग्रता प्राप्त करना, यह ईश्वर प्राणिधान। यह नियम के पांच अंग। इसी के अंतर्गत हम आपको एक विशेष युक्ति बताते हैं। सभी लोग कहते हैं कि मन बड़ा चंचल, मन बस में नहीं होता। मन को बस में करने के लिए यदि हम प्रयास करें तो यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मन को बस में करना इतना आसान है जैसे कि एक फूल को मसलना। एक फूल को लेकर के उसको मसलना जितना आसान है,
या अपने नेत्रों को मिजना कितना आसान है, उससे भी आसान है मन को बस में करना। मन को बस में करने का एक मूल तरीका है, सबसे प्रथम ईश्वर के भक्ति के लिए या ईश्वर की ओर हम बढ़ते हैं तो यह हमें मालूम है, जानते हैं सभी लोग कि भगवान प्रसन्न कब होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं जो दीनहीन होता है, जो निर्बल होता है, जो शक्तिहीन होता है, उसके ऊपर भगवान प्रसन्न है। जिसको कहीं से सहारा होता है, जो बलवान होता है, जो धनवान होता है, उसकी ओर भगवान देखते नहीं। ये नियम है भगवान का। भगवान कब मिलते हैं, जब आप किसी भी प्रकार से कहीं से आपको सहायता मिलने का अनुमान ना हो, आपके अंतरात्मा में कहीं से भी सहारा मिलने का बिल्कुल भी आशा हमें ना हो, तब ईश्वर के प्रति हम पुकार लगाएं, भगवान चला जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले दीनहीन बनना है। और दीनहीन हम कब बन सकते हैं कि जब हम अपने चित्त से, हम अपने मन से संसार के सारे रिश्तों को, सारी वस्तुओं को ऐसा मान लें कि सब शक्तिहीन। क्योंकि जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जहां तक हम देखते हैं, वहां तक केवल ईश्वर की ही सत्ता है, किसी दूसरे की सत्ता नहीं। इस बात को यदि हम अपने मन में, अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लें और हमारे दिमाग में यह बात बैठ जाए कि जहां तक हम दृष्टि डालते हैं वहां केवल ईश्वर की सत्ता है और ईश्वर के अलावा कहीं कुछ भी नहीं, और स्वाभाविक या सत्य भी यही है कि जिस वस्तु में हम कुछ भी देखते हैं, चमत्कार देखते हैं या उसकी क्रियाओं को देखते हैं या कुछ भी देखते हैं किसी भी वस्तु में, तो वह उसका कोई अस्तित्व नहीं है। किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, किसी व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है, वह तो केवल परमात्मा का ही अस्तित्व है जिसके कारण वह वस्तु आकर्षक दिखती है। तो यह बात यदि हम अपने दिमाग में बैठा लें कि सभी वस्तुएं शक्तिहीन हैं, कोई भी वस्तु संसार की ऐसी नहीं है जो प्राप्त करने के योग्य हो, अर्थात प्राप्त करने के योग्य केवल यदि है तो एक ईश्वर ही है। इस बात को यदि हम अपने मन में बैठा लेंगे तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की ओर हम कभी आकर्षित नहीं होंगे, हमारी इच्छा वहां नहीं जाएगी, क्योंकि मन का एक दूसरा नाम है इच्छा। इच्छा मन का पर्यायवाची शब्द है और इच्छा ही सर्वोपरि संसार की उत्पत्ति और लय का कारण है। ईश्वर पर एक है और एक था जब यह सृष्टि नहीं थी, परमात्मा एक था, उसके मन में इच्छा जागृत हुई, हम अनेक हो सृष्टि की रचना करें, माया को उन्होंने उत्पन्न किया। माया ने अपने त्रिगुणात्मक माया से आकाश को उत्पन्न कर दिया। ईश्वर स्वतंत्र, माया आगे आ गई। माया ने त्रिगुणात्मक की शक्ति से आकाश को उत्पन्न किया, आकाश में स्पंदन हुआ, स्पंदन से वायु उत्पन्न हुई, वायु में घर्षण हुआ, घर्षण से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ और जल से यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस संसार में जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो अनुभव करते हैं वैसा है, ठीक इसका उल्टा है। जो भी हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जिस चीज का अनुभव करते हैं वह वास्तविकता नहीं होती, उसका सभी जगह उल्टा होता है। कारण कि
हम अज्ञान रूप बुद्धि से इसे देखते हैं, ज्ञान से नहीं देखते। क्यों? और जो वास्तव में सत्य है वह आश्चर्यजनक है। क्यों? कि वह सत्य प्रतीत नहीं होता। अब जैसे पृथ्वी में जल है कि जल में पृथ्वी है, इस बात को यदि हम अनुमान लगाएं, तो पृथ्वी में जल है कि जल में पृथ्वी है, इस बात को यदि हम अनुमान लगाएंगे तो कहेंगे कि पृथ्वी में जल है, ये सत्य नहीं। जल में पृथ्वी है, जल में पृथ्वी, जल के भीतर पृथ्वी है, जल अग्नि के भीतर है, अग्नि वायु के भीतर है, वायु आकाश के भीतर है। जी आश्चर्यजनक बातें हैं जिन्हें हमें एक आश्चर्य जैसा लगता है, मगर सत्य सत्य यही है। और इस बात को हम मानते नहीं हैं, यही हमारी दुर्बुद्धि कहें या मायात्मिका शक्ति कहें, माया से ढकी हुई, काम क्रोध लोभादि से ढकी हुई हमारी बुद्धि जो होती है, इसका हम ठीक ठीक आकलन नहीं कर पाते। तो संसार में मन को वश में करने का जो हमने तरीका बताया कि किसी भी वस्तु को शक्तिहीन यदि हम समझ लें, आप कोई भी वस्तु प्राप्त करने के योग्य नहीं है ऐसा मन में निश्चय कर लें, तो हमारे मन को बस में करने में एक क्षण भी नहीं लगेगा, वह ऑटोमेटिक बस में हो जाएगा, इच्छाओं की समाप्ति हो जाएगी। और जब इच्छाएं समाप्ति हो जाएंगी